हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट सर्किट से कीवर्ड पहले बताऊंगा, देन मैं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड को समझते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। और बच्चों एक बात और बता दूं, मैं यहां पे लेवल डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक में बने रहना है और एक एक करके कीवर्ड को समझना है, देन फिर एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को भी समझना है। जो एक्टिविटी के थ्रू भी दिए हैं उनको भी बताने वाला हूं, तो चलिए सीखते हैं। तो देखो पहला कीवर्ड क्या है कि बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, तो बच्चों बैटरी समझ लेते हैं। बैटरी क्या होता है, तो बैटरी का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सेल। जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सेल। सेल जैसे आप सपोज दैट सेल का सिंबल मैंने बताया था, सेल का सिंबल एक सेल ये होगा, सेकंड सेल अगर ऐड करते हो आप तो सेकंड सेल ये हो जाता है। अगर टू या टू से अधिक सेल अगर ऐड हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अ सेल इज अ डिवाइस यूज इन द प्रोड्यूस करंट। जो सेल होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया, चलिए। और एक बात और समझ लेना, जो बड़ी लाइन होती है यहाँ पर वो पॉजिटिव होती है, छोटी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सीरीज कनेक्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने टेक्स्ट बुक जब एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। दूसरा आता है आपका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक सर्किट डायग्राम में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक सिम्बोलिक, जिसको आप बोल सकते हो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सर्किट विद द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देख रहे हो यहाँ पे क्या लगाया गया है, पावर सोर्स या सेल लगाया गया है। देखो तो मैंने क्या बताया था कि जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और ये सेल हो गया यहाँ पे अटैच है ये, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच इन ऑफ पोजिशन पे। अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। यहाँ पे बल्ब लगा दिया और ये पूरी कंप्लीट सर्किट हो गई। A simple open circuit in the diagram for bulb when switch off and then no current flow and bulb is off. A current flow होने लगता है तो क्या होने लगेगा, burn होने लगेगा, जलने लगेगा। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो कि मैं अगर एक डिवाइस ऐसा बना दूं, ऐसा ये बड़ी लाइन कर दिया, दूसरा यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया ये, और यहाँ पे मैंने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सर्किट को जब क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे ये क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा अगर हम देखते हैं, और इसको आप नोट भी कर लेना, पहले एक बार समझ लीजिए उसके बाद नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल डिवाइस विच यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल्स होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर होनी चाहिए, एंड दिस ऑल आर कॉल्ड इन द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट एंड सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। अभी इसमें स्विच भी है, बल्ब भी है, कनेक्टिंग वायर भी है, ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बेल। जी हाँ बच्चों, वही बेल जो आपके घरों में डोर में लगी रहती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक बेल इधर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बेल कहलाती है। क्या, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों बेल का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को हम वर्क करवाते हैं। दैट फंक्शन बाय द मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसका फंक्शन क्या होता है, दैट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर में तो वहां पे मैग्नेटिक उसके अराउंड में जनरेट हो जाता है। वेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाई, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, इट प्रोड्यूस इन द रिपीटेटिव बजिंग, मतलब कि बार बार रिपीटिंग बजिंग करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग एंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, यहां से इस कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट जाता है और मैग्नेटिक होता है, ये अपने तरफ इसको क्या करता है, अट्रैक करता है। जब अट्रैक करता है छोड़ता है, अट्रैक करता है छोड़ता है, जिसके कारण से ये जो यहाँ पे लगा हुआ है हैमर, इसमें मेटल में क्या करता है, हैमिंग करता है। हैमरिंग मतलब होता है उसमें टकराता है, टकराने के कारण साउंड प्रोड्यूस होने लगती है। अगला है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो बेल होता है इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है।
तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है, चलिए समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, क्या होता है, एक तरह का मैग्नेट ही होता है, इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दैट मीन कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आई होप सब समझ पा रहे होंगे। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर व्हेन द करंट इन द टर्न ऑफ, जैसे करंट टर्न ऑफ हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे अपन बेल, डोर बेल की बेल को अपन पुश करते हैं, की को, बटन को जो लगी रहती है घरों के सामने, तो जब तक प्रेस करके रखते हैं तो वो बजती है, फिर छोड़ देते हैं तो ऑफ हो जाती है, जिसके कारण वो बजना बंद हो जाती है। बजने का मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा था वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द यूजली कंसिस्ट ऑफ इन द लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस इन द टर्न ऑफ द वायर एंड क्वाइल इन द क्रिएट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसा कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पे क्या लिया, कील लिया, और मेटल का लिया और इसमें एक वायर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल साइड एस पोल जनरेट हो जाता है, यहाँ पे एन पोल जनरेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला है बच्चों फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, अगर समझ रहे हो तो फ्यूज वही होता है जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक बोर्ड के में लगा रहता है, जो कि रेड कलर का जलता रहता है, वही इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, आपके आपके टीवी में होता है, रेडियो में, इन जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सेफ्टी डिवाइस होता है, इन द प्रिवेंटिंग द डैमेज टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। अब ये काम कैसे करता होगा, तो देखो जब एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू इट, अगर इसमें ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तो इट मेड इन द स्पेशली मटेरियल से बना होता है, एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है और बहुत थिन लेयर की बनी रहती है। अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई करंट लोड उसमें जनरेट हो जाता है, तो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाता है। द सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द थ्रू इट, और वहां पे क्या हो जाता है, सर्किट में करंट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसके और भी जो डिवाइस लगे होते हैं बच्चों वो बच जाते हैं। दस अ फ्यूज प्रिवेंटेड इन द फायर, जिसके कारण से फायर से हम प्रिवेंट कर लेते हैं, मतलब कि आगे सर्किट में आग वगैरह नहीं लगती। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह के फ्यूज होते हैं जो बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं, वो ये फ्यूज हैं, जो डिवाइसों में यूज किए जाते हैं वो इस टाइप के फ्यूज रहे होते हैं। ठीक है, और भी फ्यूज वायर इस तरह का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ पे यूज किया जाता है, हीटर में यूज करते हैं, जो आयरन प्रेस होता है कपड़ों में करने वाला उसमें यूज करते हैं, कि देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब होती है तो वो बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाता है और हमको हीट प्रोवाइड करने लगता है। तो समझते हैं ये कैसा होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इन द हाई रेजिस्टेंस वायर। अब हाई रेजिस्टेंस वो उसके अंदर वायर कौन सा यूज किया जाता है, तो वायर निक्रोम का वायर होता है। कौन किसका वायर होता है, निक्रोम का। निक्रोम जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को रोकने का काम करता है, विच अपोज द करंट। तो ये वायर मतलब करंट को अपोज करता है। द रेजिस्टेंस वायर इज द बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस हीट इन दिस इन द दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तभी ये गर्म होता है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप पता चल गया होगा कि हीटर और जो इलेक्ट्रिक प्रेस में जो वायर यूज होती है वो किसकी रही होती है, निक्रोम की वायर होती है। निक्रोम क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, जो कि करंट को अपोज करता है, करंट को रोकता है। ठीक है, चलिए एंड लास्ट कीवर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। द हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड ने 1770 में से लेकर 1851 में क्या किया था, इन्होंने एक डिस्कवरी किया था किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और उन्होंने 1820 में इन्होंने क्या कर दिया था इसको, मतलब पुट फॉरवर्ड कर दिया था, मतलब कि बता दिया था कि ऐसा एक लॉ होता है, ऐसा एक इफेक्ट होता है। इफ इन द कंपास, उन्होंने क्या किया था, कंपास इज ब्रॉट नियर इन द मैग्नेटर
सर्किट कैरिंग करंट, उन्होंने एक क्या किया कि जो इस वायर में अगर करंट सर्किट करंट सप्लाई हो रहा था तो इसके पास में कंपास लेके आए। कंपास ये होता है बच्चों, ठीक है, एक साइड नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो वो लेके आए तो उसकी नीडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्टेड ड्यू टू इन द मैग्नेटिक फील्ड के करंट क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी एंड प्रोड्यूस बाय द बोथ देम, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा था। दैट मीन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर एक किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूस होती है तो उसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना ही। अब इसको पता कैसे लगाया था उन्होंने, कंपास का यूज करके पता लगाया था। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका कीवर्ड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। देखिए पहला जो है, पहला ही क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये कंपोनेंट क्या होता है, स्विच ऑफ है, इस तरह से स्विच ऑफ होता है, इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिल्कुल ध्यान से देखना, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड निगेटिव होता है। पहला क्वेश्चन में यही बता रहा है कि आपको क्या बताना है, कनेक्टिंग वायर बताना है, स्विच ऑफ पोजीशन पे बताना है, बल्ब बताना, सेल बताना, स्विच ऑन पोजीशन पे बताना है और बैटरी बताना। अब ये जो है बैटरी, बैटरी को मैंने बताया था टू एंड मोर सेल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो बैटरी कहलाता है। तो ये बैटरी का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कैसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वायर को इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन पे वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, कनेक्टिंग वायर जो होती है, और ऑन स्विच को इस तरह से करते हैं, ज्वाइंट रहता है। कहीं कहीं ये ऐसा भी रहता है, अगर ऐसा है तो ये ऐसा भी यहाँ पे बनाया जाता है, ये भी एक सर्किट है, मतलब ऑन पोजिशन पे रहा होता। की दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है डॉ सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट दी सर्किट शोन एंड फिगर, इसका सर्किट डायग्राम बनाना। यहाँ पे देखो बल्ब लगा हुआ है लेकिन बल्ब अभी जल नहीं रहा, इन द सेंस कि यहाँ पे अभी ये क्या है, ऑफ की है, मतलब ओपन की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल्ब सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑफ है, तो यहाँ पे इसको ऑफ पोजिशन पे बनाना। कैसे बनाना, ऑफ पोजिशन पे, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे इसको टच कर देते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। अगर इसको इस वाले पिन को अगर मैं यहाँ पे टच कर दूं तो बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। तो इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन किया है, दिया गया है कि सो इन द फोर सेल फिक्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड में फोर सेल फिक्स हैं, ड्रॉ अ लाइन इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल विद द वायर इन द मेक द बैटरी इन द फोर सेल। देखो डिपेंड ये करता है कि इनको अरेंजमेंट कैसे करना, आप यही समझना। देखो इधर प्लस लगा हुआ है तो प्लस से माइनस कनेक्ट होता है, प्लस से माइनस कनेक्ट होता है, याद रखना। इसको बार मैंने एक यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे अब दूसरा टर्मिनल प्लस है तो प्लस से क्या होगा, माइनस कनेक्ट होगा, ये बात याद रखना। प्लस से माइनस ही अटैच होता है, प्लस से प्लस कर दोगे तो जो करंट की सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी। ये एक मैकेनिज्म याद रखना, एक कंसेप्ट याद रखना आप। और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक प्लस टर्मिनल यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे माइनस टर्मिनल निकल गया, ये एकदम करेक्ट जो है आपका हो चुका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, दी बल्ब इन दी सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो, यहाँ पे बल्ब जल नहीं रहा। अब क्यों नहीं जल रहा, उसके पीछे रीजन क्या, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इन द मिक्सरी। क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये सेल का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही साथ अटैच है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। इसको अगर हम क्या कर दें, इधर निगेटिव कर दें, इधर पॉजिटिव कर दें, तो बल्ब ग्लो होने लगेगा बच्चों। हाँ क्यों नहीं ग्लो होने लगेगा, क्योंकि यही तो अरेंजमेंट बताया था मैंने। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि बल्ब का, ये देखो यहाँ पे निगेटिव कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। तो मतलब एक बात याद रखना, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वन ऑफ द सेल इन द ऑलवेज बी कनेक्टेड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल से रहता है। Had two positive terminals connected to each other, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। मतलब समझ में आ गया कि दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साथ अटैच हो गए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर, देखो कोई भी क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद एक बार आप इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। पहले एक बार समझ लीजिए, चलिए ठीक है। नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट बताना। तो पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कीवर्ड में मैंने आपको बता दिया है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाते हैं किसी वायर में तो वायर गेट इन द हीटेड, वायर हीटेड होने लगती है। तो वो वायर किसकी रहती है, निक्रोम की वायर यूज करते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज यूज इन द मेनी हीटिंग अप्लायंस, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, और लाइटिंग बल्ब, लाइट बल्ब में करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहाँ यूज करते हैं बच्चों,
तो ये एक होता है जब इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द वायर, जब वायर में हम फ्लो करवाते हैं तो इट जनरेट इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो अपने चारों तरफ, जैसे ये वायर हो गई, वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट रन हो रहा है तो इसके चारों तरफ में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस तरह के हम पावर लिफ्टिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन में यूज करते हैं। देखो फैन जो अपना होता घर पे लगा है आपके, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये मूवमेंट करने लगता है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक के कारण ये मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से जो फैन है वो मूवमेंट करने लगता है। ऐसे बहुत कई से डिवाइस हैं जो कि होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर भी इसी तरह से काम करता है, जो आपके घरों में पंप वगैरह लगे होते हैं ना, वही मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन, जब करंट का स्विच ऑन रखते हैं तो वायर में, तो कंपास नेडल केप्ट इन द नियरली गेट इन द डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इन द नॉर्थ टू साउथ पोजीशन एक्सप्लेन। किसी भी अगर कनेक्टिंग वायर में, अभी मैंने एक कीवर्ड बताया था कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और उसके पास अगर आप कंपास ले जाते हो तो नॉर्थ और साउथ पोल में डिफ्लेक्शन होने लगता है, तो क्या बताओगे, ड्यू टू क्या बताओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, द करंट कैरिंग इन द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जब करंट अब उसमें फ्लो करवाते हैं, कैरिंग होने लगता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। व्हेन अ कंपास कीप नियर बाय दिस वायर, इस वायर के पास मिले जाते हैं तो टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक एनएस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंपास। ठीक है, उसके कारण से कंपास क्या हो जाता है, एक दूसरे पे इंटैक्ट होने लगता है, इंटैक्ट ईच अदर केसिंग इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन इन द करंट इन द स्विच ऑफ, जब वो करंट का स्विच ऑफ कर देते हैं तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर एंड द मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इन द नॉर्थ टू साउथ पोजिशन पे, डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के बीच में करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे देखते हैं, थर्ड सेवन नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। विल द कंपास नीडल शो इन द डिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन इन बाय द फिगर इज द क्लोज, सो यहां पे देखो अभी ये ओपन है, जैसे इसको क्लोज करेंगे तो यहां पे कंपास जो लगा हुआ है इसका किस तरह से डिफ्लेक्शन होने लगता है। देखिए नो, अभी स्विच ऑफ है तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्विच ऑन में ही डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो नो कैसे पता चलेगा, स्विच ऑन ऑफ यहाँ पे लगा हुआ बल्ब, तो बल्ब जलने लगेगा। देखो अभी क्या था, ऑफ था, ऑफ के पोजीशन में बता रहा हूं, फिर मैं ऑन के पोजीशन में बताता हूं, अभी ऑफ है तो क्या होगा, देखो नो द कंपास नीडल विल नॉट शो इन द डिफ्लेक्शन इवन द स्विच क्लोज्ड, जब तक हम उस स्विच को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो क्या डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज देर इज द नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं पहुंच पा रहा है, बैटरी एंड सेल जो भी है, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी नीडल इन द कनेक्टेड इन द हेयर इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब तक ये क्लोज नहीं है, कनेक्टिंग वायर तो लगा हुआ है लेकिन अब्सेंस है, देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर, हेंस देर इज द नो डिफ्लेक्शन, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं तो बल्ब ग्लो होने लगता और इसका नॉर्थ और साउथ पोजिशन में डिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन होना चालू हो जाता है। अब आ जाता है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो लॉन्गर लाइन, क्या लिखा, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ बैटरी इन द रिप्रेजेंट, देखो लॉन्ग एक लाइन होती थी एक छोटी, तो लॉन्ग लाइन को पॉजिटिव और छोटी लाइन को निगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सेल क्या होता है, बैटरी होता है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बैटरी होता है। ठीक है, When current in the switch on in the room heater, it in the क्या हो जाता है, become hot हो जाता है, जब अगर switch off कर देते हो room heater का तो वो क्या हो जाता है, hot, क्योंकि यहाँ पे heating effect of current generate हो जाता है। Safety device based on the heating effect of electric current is called in the, उसको क्या बोलते हैं, fuse बोलते हैं। देखो जब अगर ज्यादा heating effect हो जाता है या किसी भी हम conducting wire में ज्यादा load लेने लगते हैं circuit में, तो वो fuse क्या हो जाता है, cut हो जाता है, क्योंकि ज्यादा heat up हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग के कारण एक हमारे जो पूरा सर्किट में डिवाइस लगे हुए हैं वो सेफ हो जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर करना, मेक इन द बैटरी इन द टू सेल द नेगेटिव टर्मिनल इज वन एंड कनेक्टेड टू इन द नेगेटिव टर्मिनल अदर, तो बैटरी जलेगी कि सर्किट कंप्लीट होगी कि नहीं, नहीं होगी। कैसे करते हैं, निगेटिव को किससे कनेक्ट करते हैं,
अगर निगेटिव, एक मिनट बच्चो, निगेटिव टर्मिनल है तो उसको किससे अटैच करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, समझ में आ गया। When the electric current through in the fuse exceed in the certain limit, अगर एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो उसमें हो रहा है तो फ्यूज बार मेल्ट इन द ब्रेक, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट इन द पीस ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ऑफ द पीस, देखो जितने भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो क्या करेगा, पीस ऑफ आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करता है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल सही, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो किस बेस पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका फॉल ट्रू, फॉल ट्रू, याद रखना, देखो पहला क्या है आपका फॉल है, फिर सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड फॉल है, और लास्ट वाला आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू थिंक इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर इन द सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम इन द गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट लाइक इन द बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है जस्ट लाइक बार मैग्नेट होता है, लेकिन टेम्पराइली मैग्नेट होता है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करते तभी तक उसमें मैग्नेट रहता है। इट कैन अट्रैक इन द आयरन पीस ओनली, केवल क्या करेगा, आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। द प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लास्टिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज इन द सेपरेशन ऑफ प्लास्टिक बैग फ्रॉम इन द गार्बेज हीप, गार्बेज हीप से प्लास्टिक बैग को सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट से हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, केवल हम मेटल को ही अट्रैक्ट कर पाएंगे, आयरन कील वगैरह जो भी रहते हैं उनको ही अट्रैक्ट कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो गार्बेज हीप होता है उससे हम प्लास्टिक को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि जो आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, केवल हम आयरन को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन जब किसी भी चीज को रिपेयर करता है घर में, इलेक्ट्रिक डिवाइस को, तो ही वॉन्ट इन द रिप्लेस द फ्यूज वाई इन द पीस ऑफ वायर इन द वुड यू एग्री एंड गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए आउट ऑफ सम रिपेयर, कोई मतलब इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपके घर में क्या कर रहा है, हाउस में कुछ काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर कर रहा है, तो क्या कहेगा, रिप्लेस करेगा फ्यूज बाय द पीस ऑफ वायर। देखो फ्यूज इज द डिवाइस इन द सेफ गार्ड इन द ऑल ऑफ अवर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब जो सेफ गार्ड होता है, सेफ्टी होता है, जितने भी हमारे घर में अप्लायंस यूज हो रहे होते हैं, दे आर मेड अप इन द स्पेशल मटेरियल से बना होता है, विच मेल्ट इन द क्विकली एंड ब्रेक व्हेन इन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब अगर इसमें ज्यादा एक एक्सेस लिमिट में या लिमिट से ज्यादा हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं या यूज करते हैं तो ब्रेक हो जाता है। इफ इन द इलेक्ट्रीशियन डज नॉट यूज प्रॉपर फ्यूज वायर, अगर प्रॉपर फ्यूज वायर यूज नहीं किया तो इंस्टीट ही यूज एनी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वायर एज अ फ्यूज। इन इंक्रीज इन द रिक्स इन द ओवर हीटिंग इन द वायर ड्यू टू इन द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट, इट मे बी लीड इन द शॉर्ट सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हो सकता है। अगर वो ऑर्डिनरी कोई भी वायर नॉर्मल वायर को यूज कर देता है तो एक शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं रहती हैं। दीज अप्लायंस में भी कैच द फायर, और उसके कारण उस अप्लायंस में फायर भी होस पकड़ सकता है, आग भी लग सकती है। इट इज इन द एडवाइस टू यूज स्टैंडर्ड फ्यूज वायर का ही यूज करें। एमसीबी का मतलब होता है मैनिफेक्चर सर्किट और प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। एमसीबी जो होता है घर पे, जो मेन एमसीबी होता है जहां पे जो पावर आता है आपके जहां से, तो वहां पे एमसीबी में भी वो वायर को, स्टैंडर्ड वायर को ही यूज करना चाहिए। अगला क्या है, जुबेदा मेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इन द सेल होल्डर, बना रही है इन द स्विच एंड बल्ब, व्हेन इन द पुट इन द स्विच ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, ही हेल्प द जेब्रा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट। अब देखो अगर वो सेल होल्डर बना रही है, स्विच ऑन करके भी रखी है, लेकिन उसका बल्ब ग्लो नहीं होता है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, देखो या तो बल्ब फ्यूज होगा, दूसरा कारण क्या होगा, सेल इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, या तो सेल कनेक्ट अच्छे से नहीं होगा, देयर इज अ लूज इन द कनेक्शन, कनेक्शन लूज होगा, या स्विच इज नॉट
फंक्शन इन द बेल, या तो स्विच अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, एंड लास्ट क्या है द सेल इधर ड्राइड अप, या तो सेल सूख गया होगा जिसके कारण से वो वर्क नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, एंड द पावर ऑफ द सेल हैज बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर भी 12 आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है, इसमें आपको पता करना कि वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, एंड फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करा, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन स्विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन इन द स्विच मूव ऑन द ऑन पोजीशन, तो कैसे ऑर्डर कर दें कि ये बल्ब जलने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है नॉन ऑफ द बल्ब विल ग्लो व्हेन इन द स्विच इज द ऑफ पोजीशन, बल्ब इसलिए नहीं जल रहे हैं क्योंकि स्विच यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे है, और ऑफ पोजीशन पे सर्किट कंप्लीट नहीं होती इसलिए जल नहीं पाता। ठीक है, सर्किट इज नॉट क्लोज व्हेन इन द स्विच इज द मूव ऑन इन द ऑन पोजीशन द सर्किट इज द कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है इमिडिएटली, एंड ऑल ऑफ द बल्ब विल बी ग्लो इंस्टेंटली, इसके कारण से बल्ब पूरे ग्लो, जैसे ही इसके स्विच ऑन कर देता है पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब तीनों क्या होने लगते हैं, ग्लो होने लगते हैं। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा सारे क्वेश्चन, अगर कुछ में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसको रिजॉल्व करके आपको फिर से मैं समझाऊंगा। और दूसरी बात बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन की बटन, बेल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।